So although I made a video on books, I personally scored to score 639 marks in my NEET exam, but there were so many students on my Instagram DM and the comment section who were constantly telling me ki NEET preparation ke liye kaun si ideal books hoti hai except from NCERT jo hume karni chahiye. And jo bachche abhi 11th mein hai who need a better strategy, koi bhi wrong books leke galat tarike se apna time, apna energy aur apna paisa waste na kare. So today in this video I'll be telling about the best books for the NEET preparation and also बेस्ट ऐप फॉर द नीट प्रिपरेशन. और अगर आप इनमें से कोई चीज यूज नहीं करते सो डू ट्राई इट, मे बी आपकी प्रिपरेशन एक स्टेप आगे बढ़ जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बायोलॉजी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बोल के कि एनसीईआरटी पढ़ो. दैट इज द मोस्ट यूनिवर्सली ट्रूथ जो आपको मानना पड़ेगा एनसीईआरटी पढ़नी है. उसके अलावा जो बुक्स आपको यूज करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंड यू मस्ट यूज नीट एग्जाम्पलर क्वेश्चन. उसमें टेक्निकली बहुत ही वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन है. 99% क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. एंड कुछ क्वेश्चन हो जेनेटिक, इकोलॉजी, बायोटेक के ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के होने के बाद भी आपका अच्छा खासा टाइम यूटिलाइज करेंगे टू चर्न इट आउट बिटवीन द ऑप्शंस जो इतने क्लोजेस दिए हुए हैं. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो सॉल्व करना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो नीट 2022 में बहुत पूछे गए थे. सो अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम्पलर इज अ मस्ट बुक दैट यू शुड सॉल्व. सेकंड ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक. एंड एक अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक सॉल्व करना जिसमें प्रॉपरली एनसीईआरटी का पेज नंबर तक मैंशन हो, अच्छे से सोल्यूशन मैंशन हो और सारे यू नो मैक्सिमम जो 15 to 20 ईयर्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू सारे कवर्ड हो. ऑलरेडी मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि आप लोगों को कौन सी बेस्ट पी वाई क्यू बुक लेनी चाहिए. सो यू कैन सी दिस वीडियो टू गेट दैट. थर्ड थिंग इज आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी बुक चाहिए. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द टू बुक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पर्सनली डॉक्टर अली बुक सॉल्व की थी जिसमें एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चंस भरे हुए हैं एनसीईआरटी एक्सटेंडेड. और वहीं पे एमटीजी फिंगर टिप आई गेस उसमें एनसीईआरटी को थोड़ा टेक्निकली समरी वाइज फॉर्म में, टेक्स्टुअल फॉर्म में दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं देन गो विद डॉक्टर अली. और अगर एनसीईआरटी को भी रिवाइज करने साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने देन यू शुड गो विद एमटीजी. आइदर ऑफ द चॉइस. पर्सनली दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी मैंने प्रिपरेशन के वक्त देखी और यूज भी किए हैं. सो यू कैन गो विद दैट. एंड द फोर्थ अ वेरी अमेजिंग, अ वेरी बोनस ऐप फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जिसमें एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और भी ऐसे कई टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद प्रॉपर सोल्यूशन. द नेम ऑफ द ऐप इज मेमोनेट ऐप. ओके, सो आफ्टर नीट 2022 पेपर वी ऑल एनालाइज अवर पेपर सो नाइसली कि ऐसी क्या मटेरियल और ऐसा क्या हम एनसीईआरटी के साथ करें कि हमें एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो. सो फॉर दो स्टूडेंट जो बुक्स नहीं ले सकते या जिनका यू नो कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम है एंड दे स्टिल डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देयर टाइम एंड दे हैव टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ एक ऐप है, मेमोनेट ऐप. दिस इज अ वेरी 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 अमेजिंग ऐप. ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मेमोनेट ऐप में आपको मैच द कॉलम से लेके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके, नॉर्मल सिंपल एमसीक्यूज लेके सब कुछ मिलेगा एंड इट इज ऑल कंप्लीटली रिलेटेड टू एनसीईआरटी. मेमोनेट में अराउंड 20,000 प्लस क्वेश्चन है फॉर स्पेसिफिकली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्योंकि दोनों ही बहुत ही एनसीईआरटी पे वेटेज होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड विच हैव बीन सॉल्व बाई 1 lakh प्लस स्टूडेंट एंड दैट टू 20 million टाइम्स. नीट के पेपर में ऐसा दिखाया है कि 90% क्वेश्चन वर ऑलमोस्ट सेम लाइक मेमोनेट ऐप जो कि या तो ऑलमोस्ट उनका लाइन बाय लाइन सेम था और वेरी सिमिलर टू द मेमोनेट ऐप. सो एनसीईआरटी लाइन्स आर वेरी वॉलेटाइल फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स वी टेंड टू फॉरगेट ऑल द लाइन्स वेरी इजिली. तो अगर आपको अपने एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद भी अपनी एनसीईआरटी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है दैट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन अ लॉट सो दैट वो परमानेंट मेमोरी में आपके रिटेन हो जाए. एंड मेमोनेट हैज दैट फैसिलिटीज ऑल्सो. आपके क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक पे आपकी मेमोरी को डिफरेंशिएट कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट देन इट विल बी बुक मार्क इन अ सेपरेट सेक्शन. अगर आपने रॉन्ग किया तो वो आपके टेम्पररी मेमोरी में जाएगी और आपको क्वेश्चन यू नो मे बी 6 to 7 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा वापस तब जाके आपके परमानेंट मेमोरी में आएगी. सो इतना ज्यादा अमेजिंग ऐप आपको फ्री में मिल रहा है. गो एंड यूज इट. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन आर देयर. उसके अलावा भी बहुत सारे गोल्डन फीचर्स इस ऐप में. अगर आपको उनको अनलॉक करना है तो यू हैव टू पे इट एंड यू कैन यूज माई कोड OM300 टू गेट एन डिस्काउंट ऑन वट एवर द एक्स्ट्रा कोर्स यू आर गोइंग टू परचेस इट. अदरवाइज फॉर सॉल्विंग द एनसीईआरटी दिस इज द आइडियल ऐप दैट यू मस्ट यूज. सो गो एंड चेक इट आउट द ऐप एंड डू लेट मी नो द रिव्यू. आल्सो फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सबसे अंडररेटेड पार्ट तो एनसीईआरटी खुद की बुक ही है. हम जनरली एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बायो की तरह ही रीड करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि बीच में जो सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कितने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में खुद ये क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में इनको अच्छे से सॉल्व करो. दूसरा, अगर आप रेफरेंस बुक के लिए देख रहे हो कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए, तो लाइक अगर आपका कोई रेस्ट्रिक्टिव प्रिपरेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग का टारगेट होता है कि मुझे पर्टिकुलर चैप्टर 2 दिन में सॉल्व करना है या 3-4 दिन में सॉल्व कर देना, मेरे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, वो कोचिंग में रेगुलरली उनका हर वीक टेस्ट होता है,
तो उनके पास टाइम नहीं होता कि आप लोग एक चैप्टर से 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो फॉर दोज स्टूडेंट, आपको तीनों सब्जेक्ट की इंडिविजुअली बुक्स जो आती है, फॉर एग्जांपल एनके अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, वीके जायसवाल फॉर द इनऑर्गेनिक एंड एमएस जॉन फॉर द ऑर्गेनिक, ये तीनों बुक आप ले सकते हो। फॉर द यू नो इसमें 100-200 क्वेश्चन होते हैं जो ऑफकोर्स 3-4 दिन में आपके सॉल्व किए जा सकते हैं, और टीचर से डाउट पूछ के आपके कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं जाते, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका भी टेस्ट मंथ में एक बार वो प्लान किए होंगे देने का, और उनके पास दिन भर टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपको एररलेस बहुत अच्छी ये बुक सॉल्व करनी चाहिए। पर्सनली मैंने अपने प्रिपरेशन में सॉल्व की थी, बट उसका मुझे तरीका अलग रखना चाहिए था। मैं कोचिंग और स्कूल के साथ एररलेस सॉल्व कर पा रहा था, जो कि बड़ा हेक्टिक हो जा रहा था मेरे लिए, बिकॉज यू ऑल नो कि एररलेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लाइक ईजी से हार्ड तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ईजी और एवरेज क्वेश्चन की क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है जैसे नीट में आती है, एंड इट कंटेन्स ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन। सो जनरली आप उस हिसाब से एररलेस बुक को यूज करना है तो ऐसे करो, और अगर टाइम कम है, कोचिंग स्कूल सब है, तो आप ये तीन जो बुक मैंने आपको बताया वो यूज कर सकते हो। नाउ फॉर द फिजिक्स, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री और बायो जैसी गलती मत करना कि सबसे पहले ही एनसीईआरटी पे कूद पड़ो। एनसीईआरटी फिजिक्स की अभी साइड रखो, नोट्स बना लिए, नोट्स को रिवाइज कर लिया, तो सबसे पहले गो विद द इजी बुक। फॉर एग्जाम्पल लाइक डीसी पांडे सॉल्व करो, बहुत ही आइडियल बुक है सबके लिए। मैं पर्सनली खुद प्रेप के लिए भी यूज किया था, सॉल्व एग्जाम्पल इतने अच्छे अच्छे उसमें, ट्राई टेकिंग इट टुगेदर बहुत अच्छा है, उसकी एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छी, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता है जिसके से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। और अगर आप एक वीक एस्पिरेंट, ऑब्वियसली आपको डीसी पांडे सॉल्व करनी चाहिए, और अगर आप थोड़े आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, नीट आपने बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको मैथ से भागना था, तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व एचसी वर्मा, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप बहुत जीनियस नहीं हो, अगर आप एक अबव एवरेज हो फिजिक्स में, तो भी हर दिन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना एचसी वर्मा की इज अ वेरी कूल थिंग, और जो भी नए कॉन्सेप्ट, नए फॉर्मुलेज आप उन क्वेश्चन से सीख पा रहे हो, ऐड अपने नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में, ताकि आप रेगुलरली वो सब भी रिवाइज करते जाओ, ताकि नीट के पेपर में अगर टफ क्वेश्चन है तो भी आप बिल्कुल भी हिलो ना, और कॉन्फिडेंटली उनको भी टिक कर। द कॉमन थिंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज अगेन पीवाईक्यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिजिक्स के लिए नहीं कहूंगा आप यूज करो, थोड़ी जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस लेवल की है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर द केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोज में भी बताया कि 2019-2018 के मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया कि कैसे एग्जाम्पलर से ही आए हैं विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यू। सो एग्जाम्पलर फॉर केमिस्ट्री एंड बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज सच फॉर फिजिक्स इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट यू कैन ट्रूली अवॉइड इट दैट, एंड यू कैन यूज इट लेटर अगर आपका लेवल बहुत हाई हो चुका है तब। So this was a video guys about all the books and the study material that you must follow for the NEET preparation, और अगर आप इनमें से कोई यूज़ नहीं करें तो go and do use it, आपको अपनी preparation में बहुत फर्क दिखेगा। And use the Memonit app, आपको NCERT के एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करने से कैसे बेनिफिट मिल रहा है, डू लेट मी नो, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।